बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज एक सैड न्यूज़ के साथ आपके साथ जो है मुलाकात हो रही है, हमारे कॉमेडियन किंग और हमारे नेशनल हीरो, हमारे सुपरस्टार उमर शरीफ साहब इंतकाल कर चुके हैं। उमर शरीफ साहब की जो पैदाइश थी वो 19 अप्रैल 1955 को कराची में हुई और उनकी जो डेथ है वो 2 अक्टूबर 2021 को जर्मनी में हुई। पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान और बिलखसूस पाकिस्तान और भारत के भी तमाम जितने भी लोग हैं उनको चाहने वाले, उन्होंने इजहार ताज़ियत किया। उमर शरीफ साहब जो कि कॉमेडियन किंग हैं, प्रोड्यूसर हैं, सुपरस्टार हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनकी इजहार ताज़ियत के सिलसिले में भारतीय अदाकार रज़ा मुराद साहब ने कहा है कि ये एक कौमी सानिया नहीं है बल्कि ये एक लेजेंड थे जो पूरी दुनिया से उनको चाहने वाले थे, अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो उनकी कंडोलेंस के सिलसिले में ज़रीन खान ने भी ये अपना बयान दिया है कि बचपन में वो अपनी पूरी फैमिली के साथ उमर शरीफ शो देखती थी और उनकी यादें उस शो के साथ उमर शरीफ साहब के साथ वाबस्ता थीं और वो बहुत ज़्यादा अफसरदा हैं। दलेर मेहंदी जो भारतीय गुलूकार हैं, उन्होंने भी ये कहा कि ये एक बहुत बड़ा सानिया है, उमर शरीफ साहब जैसे लोग बहुत कम पैदा हुए और उनको हमेशा याद रखा जाएगा। कपिल शर्मा ने भी मज़ीद अपनी ताज़ियत में ये कहा कि उमर शरीफ साहब जैसे लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं और बहुत सदियों बाद माएँ ऐसे बेटों को जन्म देती हैं। जॉनी लीवर ने उमर शरीफ साहब की ताज़ियत के बारे में ये कहा कि उमर शरीफ साहब के पास अल्फाज का एक बहुत बड़ा ज़खीरा था और मैं आज तक उनकी तरह इंटरव्यू नहीं ले सका। उमर शरीफ साहब के एक जो यूनिक अंदाज़ था, उनका अपना एक अंदाज़ था, वो अंदाज़ किसी के पास भी नहीं है। राकेश सबरवाल साहब जो कि भारतीय प्रोड्यूसर भी हैं और उन्होंने बताया कि उमर शरीफ साहब एक कॉमेडियन किंग थे और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, तो सब ने चले जाना है। मेरी गुजारिश, मेरी रिक्वेस्ट यही है कि हम सब उनकी फैमिली के साथ उनके इस दुख में शरीक हैं। आप सब लोगों से गुजारिश ये है, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो हमारे ज़िम्मे काम है वो ये है कि उनके लिए हम अल्लाह पाक से दुआ करें, अल्लाह ताला से उनकी मगफरत के लिए इल्तिजा करें, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उनको जो है अपने रहमत और करम के साए में महफूज फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मुकाम अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी मालूमाती वीडियो के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।